cricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को
सबने मिलकर इस क्रिकेट का आयोजन किया और सब लोगों ने टीम बना के, इसलिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं आपको अपनी दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देता हूं। ईद की भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपसे इतना इस समय में इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अभी भाषण सुनने के मूड में आप लोग नहीं होंगे, अभी खेलने के मूड में होंगे, इसलिए लंबी चौड़ी बात नहीं रखना चाहता, लेकिन इतना जरूर है कि खेल को खेल की भावना से खेल। खेल की भावना ये सिखाती है कि जो डिसीजन रेफरी ने दिया हो उस डिसीजन के खिलाफ अपील करना हमारा अधिकार है, लेकिन फैसला उसी का फाइनल होना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आजकल आपस में दिलों में मोहब्बतें कम हो गई, आजकल दिलों में जो पहले मोहब्बतें थी वो कम होती जा रही हैं और जरा जरा सी बात में लोग झगड़े पे उतारू हो जाते हैं। तो ऐसे वातावरण में जब आप लोग इस खेल का अगर आयोजन कर रहे हो तो कोई ऐसा यहाँ से कोई ऐसा मकसद ऐसा कोई यहाँ से वो नहीं संदेश नहीं जाना चाहिए कि कल तक तो सब साथ खेल लेते और आज उस बात को लेके झगड़ा हो गया। आसपड़ोस के सारे क्षेत्र के लोगों का ये कर्जा मैं अपने खून की एक एक बूंद देकर के भी नहीं चुका सकता, लेकिन इसीलिए क्यों, क्योंकि मैंने खेल की भावना से खेला, मैं भी प्लेयर रहा हूं, लगातार जीतने के लिए प्रयास करता रहा। देखिए लगातार 12 से आप सबकी दुआओं से भगवान की अल्लाह की कृपा से लगातार 3 बार विधायक रहे। आज फिर इलेक्शन है और ये इलेक्शन नहीं होने वाला, ये जंग है नौजवान। आज गरीब मजदूर व्यापारी पढ़ने वाला किसान जो भी अल्पसंख्यक हो, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो कश्यप हो बाल हो सैनी हो प्रजापति हो जाट हो चौहान हो किसी समाज का हो, सब लोग इस सरकार से त्रस्त है या नहीं बताओ ईमानदारी, इस बीजेपी की सरकार से त्रस्त है या नहीं है। नौजवानों के लिए कोई कारोबार नहीं, पढ़ लिख करके बेकार घूम रहे हैं, एग्जाम देने जाते हैं तो इम्तिहान लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। लोग मेहनत करते हैं, अभी मैं देखता था कि 4-4, 5-5, 6-6 महीने लोगों ने रेस लगा करके पुलिस में भर्ती होने के लिए प्रैक्टिस की, पेपर देने गए, जैसे तैसे फॉर्म भी भरा, किसी का सेंटर बरेली, किसी का मुरादाबाद, किसी का लखनऊ आया होगा, धक्के खाते हुए एग्जाम देने गए, जब एग्जाम दे करके बाहर भी नहीं निकले थे पता चला पेपर लीक। उसके बाद ऐसा पहली बार नहीं हुआ है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, हर बार ऐसा होता जा रहा है। इस देश का संविधान परम पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, मैं उन्हें नमन करते कहना चाहता हूं कि उस संविधान में आपको सबको बराबर का हक था, हमारे दलित समाज के लोग जो पीछे रह गए थे उनको आरक्षण दे के उन्हें बराबर में लाने की कोशिश की गई। जैसे किसान कभी देखते खेती करते हो आप लोग, किसान देखता है कि मेरा ये कोना कमजोर रह गया तो उसमें डबल खाद डाल देता है, उसे पानी देता है जिससे कि उसकी फसल बराबर हो जाए। इसी तरह आरक्षण दे के हमें सबको बराबर लाने की कोशिश की गई, क्या उसमें पिछड़े समाज के कश्यपाल सैनी प्रजापति जाट ये सब पिछड़ों में आते हैं उनको भी बराबर लाके 27% आरक्षण दिया और उन्हें बराबर लाने की कोशिश की गई। उस आरक्षण से ये फायदा हुआ कि हमें नौकरी मिलने लगी, कम से कम 100 नौकरी निकलती थी, 27 पिछड़ों की हो गई और 22 दलितों की हो गई, लेकिन आज इस भारतीय जनता पार्टी ने उस सब को खत्म कर दिया। आज कोई आरक्षण नाम की चीज नहीं बची है, सब प्राइवेट में जा रहा, सब बेच दिए, बेचे नहीं बेचे सारे विभाग। इसलिए ये देश ये चुनाव जो होने जा रहा है ये जंग है। अगर अपने हकों को चाहते हो, नौकरी करना चाहते हो तो दलित समाज के पिछड़े समाज के लोगों आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर नौकरी चाहते हो सम्मान की नौकरी चाहते हो तो इस भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए 19 तारीख को साइकिल का बटन दबा देना,
मुस्लिम समाज के लोगों आपसे कहना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज के लोगों आपको भी बराबर का हक, आपको अपने तीज त्योहार मनाने का बराबर का हक। आप लोग आज सोच करके देखो कि अगर कहीं नमाज पढ़ने जाते हो तो पीछे से पुलिस जूते मार रही है, नहीं मार रही, नोएडा की मस्जिद का मामला देखा है नहीं देखा है। हम कांवड़ वालों के खिलाफ नहीं है, कांवड़ लाओ खूब लाओ, तुम अपनी पूजा अर्चना करो जैसे पहले होता था, तो हमें भी अपनी इबादत करने दो। लेकिन आज आपकी इबादत पर पाबंदी है, आपके खाने पे पाबंदी है, आपकी टोपी पहनने पे पाबंदी है, आपकी दाढ़ी पे पाबंदी है। अगर इस देश में जब इस संविधान में जो बाबा साहब ने लिखा जिसमें बराबर का हक था, जब आज ये हालात है तो सोच के देखो कि अगर इनका संविधान लागू हो गया जो ये चाहते हैं कि उस संविधान को खत्म करके, उस नियमों को खत्म करके, उस कानूनों को खत्म करके नए कानून बनाए, नए नियम बनाए, अगर बीजेपी ने अपने नए नियम, नया कानून, नया संविधान लागू अगर कर दिया तो सोच के देखो कि आप लोगों की क्या स्थिति होगी, कहां जाओगे। आज तो सीए लागू किया है, कल को एनआरसी लागू कर देंगे, और जब एनआरसी लागू कर देंगे अपनी जमीन जायदाद के कागज में नहीं दिखा पाओगे, और जब कागज नहीं दिखा पाओगे तो इस देश के नागरिक भी नहीं कहलाओगे। वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा। आज मैं यहाँ आया हूँ तो क्यों आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि मुझे लालच है कि कल को मैं चुनाव लड़ूंगा तो आप मुझे वोट दोगे, लेकिन जब इलेक्शन ही खत्म हो जाएगा तो कोई मनोज पारस फिर उद्घाटन करने आपके बीच में नहीं आएगा, कोई आपकी दुख तकलीफ पूछने नहीं आएगा, कोई आपके सड़क खड़ंजे नाली बनवाने नहीं आएगा। जब प्रधान जी को क्या लालच है यहाँ बैठे हैं, क्योंकि इन्हें वोट दिया, इन्हें प्रधान बना रहा, आगे फिर लालच होगा मैं दोबारा प्रधान बनूं, तो इस गर्मी में यहाँ बैठे हैं। जब इलेक्शन ही खत्म हो जाएगा कोई आपके बीच में नहीं रहेगा। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए 19 तारीख को साइकिल का बटन दबा देना। अगर भूल गए और कहीं बट गए और गलती कर दी, एक यहाँ से क्या नाम सहारनपुर से एक आदमी आया है, वो नौजवानों तुम्हें बरगला रहा है, एक पूरी सरकार केजरीवाल की उससे नहीं लड़ पा रही, उसे केजरीवाल को जेल में डाल दिया, सोरेन झारखंड का मुख्यमंत्री उसे जेल में डाल दिया। जब ये मुख्यमंत्री होकर के उससे नहीं लड़ पा रहे तो एक अकेला सहारनपुर वाला क्या आपके हकों की लड़ाई लड़ लेगा, सोच करके देखो। आपके वोट को बांटने की साजिश है, बीजेपी उसको पैसा दे रही है इससे कि आपका वोट बढ़ जाए और बीजेपी आराम से जीत जाए। इसलिए सहारनपुर वाले के चक्कर में मत आना, वो बीजेपी का आदमी, आरएसएस का आदमी है, आपके बीच में भेजा गया है कि इनके वोट कटवा। इसलिए साइकिल का बटन दबा के आने वाली 19 तारीख को अपने हकों की रक्षा करना, अपनी इबादत गाहों की रक्षा करना, अपने मदरसों की रक्षा करना। आज मदरसे आपके बंद कर दिए गए, नहीं कर दिए गए, आपकी इबादत गाहें तोड़ी जा रही है, नहीं तोड़ी जा रही है, तो ये सभी हो सकता है कि जब वहां पे बीजेपी की सरकार हटे और इंडिया की सरकार बने जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, गठबंधन की सरकार है। इसलिए इन्हीं सभी मुद्दों पर मुझे पूरी उम्मीद है कि किसी के बहकावे में नहीं आओगे। आज से 4-5 दिन कुल इलेक्शन में रह गए, अपनी मोटरसाइकिल से, फोन से, गाड़ी से, जहां जाओ सिर्फ यही जिक्र करो कि हमें संविधान को और अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपनी इबादत गाहों को बचाने के लिए, मदरसों को बचाने के लिए साइकिल का बटन दबाना है, तभी इंडिया की सरकार बनेगी, तभी ये सारी चीजें बचेंगी। इन सब का प्रचार करना और वोट एक एक डाल करके, सारे लोग आए हुए ईद से पहले, अभी आए हो ईद पे, इलेक्शन से पहले चले मत जाना, क्योंकि अगर चले गए और आपने अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया तो आने वाले वक्त में पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद किया। आज अखिलेश यादव जी नेहटौर में आ रहे हैं, वैसे तो आज के दिन आपको टूर्नामेंट नहीं रखना चाहिए था, सबको वहीं चलना चाहिए था, लेकिन पहले से रखा है, चलिए खेलिए। लेकिन 16 तारीख को धामपुर आएंगे तो उसमें यहाँ से जरूर 2 बसें लेकर के वहां चलने का काम करना, भीड़ बढ़ाने का। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, मनोज पारस जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो मनोज पारस जैसा हो। और हमारे माननीय मनोज पारस जी के शुभ विचारों पर, हेलो हेलो